गाइस मैं नहा के आ चुकी हैं एंड मैं भी नहा लिया हूँ। मैं बहुत पहले का नहा लिया था और मैंने ना ठाकुर जी को भी नहा दिया, वो बैठे हैं। अब माँ भी नहा के आ गई हैं। माँ बुआ कब तक आएंगी? वो आएंगे, सब अपने घर का भी करके आएंगी, पूजा पाठ खाना पीना जो उनकी जिम्मेदारियाँ वो निभा के आएंगी, हमारी जिम्मेदारियाँ हम निभाएंगी। तो गाइस नहा तो काफ़ी देख ली थी, खाना पीना सब तैयार कर दिया है, बस अब मेरे को है ना सुरभि ने भी भगवान जी को निभा हल्की है बहुत ज़्यादा, यही पहनूंगी क्योंकि खाना वगैरह होगा, दीदी आएंगी और मम्मी आने वाली हैं, लव के पापा भी आए नहीं हैं, मतलब लव और लव के पापा वो तीन ही आएंगी मम्मी और वो, और सुरभि ने भगवान जी को निभा दिया है, मुझे किचन में लग रही थी तो मैंने तो निभा, मुझे थैंक यू तो बोल दो। मतलब मेरे को ये वाली साड़ी पहननी है, पूजा की प्लेट मेरे को तैयार करनी है, मुझे थैंक यू तो बोल दो। अपने घर के काम करने के लिए थैंक यू किस बात का? अरे बोल दो। नहीं थैंक यू बोल रही हूँ, अपने काम करने के लिए थैंक यू किस बात का? वैसे थैंक यू मेरे मन में है ना, यहाँ सुरभि ने अच्छा काम किया है, ये थोड़ी है कि सुरभि तुमने काम, थैंक यू सुरभि अपने घर के काम के लिए कोई थैंक। यहाँ पे ये देखिए पूरा रूम एकदम क्लीन हो गया है, ये देखिए सारा सब कुछ, और ये थोड़ा इसमें थोड़ा वो था, मतलब थोड़ा सा मॉइस्चर था इसमें, और यहाँ पे इन टी शर्ट सूख गई होंगी, अब तो ये हटाऊंगी बस। ये देखिए सुरभि, इसे मैं कह रही ब्लैक उतार दे, ब्लैक कपड़ा नहीं पहनते हैं आज, मेरे पास नहीं है ना वाइट, तो वाइट नहीं पहन तो फट गया, तो दूसरा पहन लेना, और भी तो है वो वाला है फ्रॉक वाला टॉप है तेरा, वो पहन ले। और यहाँ पे गाइज ये देखिए हमारे ठाकुर जी से, आज हमारे ठाकुर जी के लिए नई पोशाक नहीं आ पाई है गाइज, मैं क्या करूँ, आज हमारे ठाकुर जी ने ब्लू वाली टोपी पहना देती लाली आज, अरे नहीं पहन रहे थे वो, नहीं पहन रहे थे, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर गाइज बस अब भगवान जी को, मुझे मैं आपको दिखाती हूँ गाइज यहाँ पर ये देखिए। तो गाइज़ मैं बताऊँ कि सुरभि ने भगवान जी को नहला दिया था ना, तो इतने में मेरा ये हो गया था कि जो भी किचन का जो खीर बनाना था मेरे को, सब्जी बनानी थी, वो सारा मैंने बना दिया था, आटा लगा के रख दिया था, तो इतना मतलब हो गया था। तो यहाँ पे बस है ना, इसमें ना नारियल ही डाला है मैंने, मतलब जो नारियल होता है जो अपना नारियल वो जो सूखा वाला वही डाला है ओनली, और इलायची डालूँगी और घी का तड़का लगाऊँगी। और यहाँ पर मटर पनीर और आलू वाली सब्जी बना दी है, मतलब तो पनीर तो मैंने खूब सारा डाल दिया था क्योंकि, और थोड़ा फ्राई भी कर दिया था मैंने, और सब्जी तो फिर है ना सब लोगों के हिसाब से बनाई है। तो और यहाँ पे अभी सेम ही और बनानी है गाइज मेरे को, आटा भी मैंने लगा के रख दिया था गाइज, ये आटा पूरा आपका ना शाम तक पूरा चला था मैंने, इसलिए पूरा इकट्ठा लगा के रखा था कि बार बार का आटा लगाने का कोई झंझट नहीं है, क्योंकि गाइज आप खाना मतलब आपको है ना फिर टाइम उतना मिलेगा ही नहीं, आपको उधर पुड़ियाँ सेकनी है, थाली लगानी है, उधर आपको बर्तन साफ़ करने हैं, तो उतना टाइम होता ही नहीं है मेरे पास में, बस मेरा तो ये रहता है कि बर्तन पूरे हों और इधर मैं थालियाँ लगाती जाती हूँ, पुड़ियाँ सेक सेक कर बस गर्मा गर्म सबको सर्व करती जाती हूँ। तो बस यहाँ पे मम्मी आई गई थी और लव है ना अपनी राखी है ना सुरभि को बता रहा है, तो इस तरह से दोनों भाई बहनों में छिड़कानी चल रही है गाइस मैं बताऊँ। और हम लोग है ना मतलब अभी है ना बस तैयार हो रहे हैं, तो अपनी कुल माता के मंदिर जाएंगे। और यहाँ पर मैं बताऊँ कि ये जो सूजी वाली सेवैयाँ हैं गाइज मैं बताऊँ, और यहाँ पे है ना मैं बताऊँ कि इसमें ना मैंने इतनी निकाल दी थी, और उसके बाद ये समझो गाइज कि मैं आपको क्या बताऊँगी, ये पूरी बस ऐसे मैं इसे छान रही थी, वो वैसे ये ना मैंने इसे रखा और ये लुढ़क गया, ये देखिए ऐसे करके पूरा लुढ़क गया, और ये ना इसमें जो कचरा चला गया नाली में सिंक की नाली में, तो वो थोड़ी है ना जाम हो रही है, तो फिर अभी मैं बाहर से है ना इसमें ना एक तार डाल देती हूँ ना, तो फिर निकल जाता है सारा, खुली हुई है लव के पापा से मैंने कई बार बोल दिया इसमें इसे बंद कर दो, क्योंकि कितना भी करो खाने पीने का कचरा चला जाता है। अभी हमारे इतनी दिक्कत इसलिए नहीं होती कि बाहर ही है वो नाली, तो आराम से ना मैं तार डाल देती हूँ तो वो निकल जाता है कचरा। तो यहाँ पर मैंने ना आज है ना भोलेनाथ का अभिषेक करना है, तो वही सारे थाली लगा लिए कुल माता की पूजा करके, हम मतलब करके आके कुल माता की पूजा करके आ चुके हैं, पार्टी से कहते चलो हम मंदिर, और इसको उसमें फ़ोन को ले जाना है, थोड़ी वीडियो बनाएंगे उसमें रख लेना पॉलीथिन में, नो 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 पॉलीथिन में नहीं, दिन नहीं छतरी ले चलो ना चलो। और गैस मैं आपको बता दूं कि हम अपनी कुल माता के मंदिर गए थे ना, तब भी बारिश हो रही थी, तो मतलब हल्की हल्की हो रही थी, तो भीग तो गए थे हम। और फिर है ना यहाँ पे लव के पापा बोले कि तू है ना घर पे ही पूजा कर ले भोलेनाथ की, और क्योंकि है ना भोलेनाथ के मंदिर जाएंगे तो सारे भींग जाएंगे,
फिर मैंने कहा नहीं मेरे को तो अभिषेक करना है, तो बोले मतलब कि बोले कि घर पे ही कर ले। मैंने कहा नहीं मेरे को तो जाना है, तो यहाँ पे फिर मैंने कहा बारिश आए चाहे कुछ भी आए मेरे को तो जाना है। तो फिर है ना मतलब हम लोग आ गए थे तो भीग ही गए थे, पूरे भीग गए थे लबके बाबा। मैं तो नीचे मस्त मस्त बना रहा हूँ वो ऊपर नहा चल रहा है। और यहाँ पे जो ये ना भैंस का बच्चा है ना वो नहा रहा था ऊपर छत की नाली में से पानी आ रहा था, जो बारिश हो रही थी ना तो वो मज़े ले रहा था। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि हम लोग आ गए थे, भीग तो गए थे, और यहाँ पे फिर है ना भोलेनाथ का फिर अभिषेक कर लिया था। और काफ़ी देर तक हम खड़े रहे थे, हमने सोचा लग के हम सोच रहे थे कि जब सब लोग कर लेंगे मतलब खाली होगा मंदिर पे तब करना चाहेंगे। लेकिन आप सोच सकते हो कि अभी सावन के दिनों में और मंडे का दिन हो तो मंदिर में भोलेनाथ की आप सोचो कि अकेले पूजा कर लो एकदम, तो नहीं कि सब लोग कोई ना कोई आते ही जा रहा था, सब पूजा कर रहे थे। मैंने कहा लव के पापा से बोला मैंने कहा देर हो जाएगी आप कर लो, तो लव के पापा का कहना था कि सब लोग ये कर लें, तो वो सोच रहे थे कि हम फ्री हो के करें मतलब, तो कोई बात नहीं है वो तो मंदिर में तो ऐसे ही होता है भगवान तो सब स्वीकार कर दिया। तो यहाँ पे मतलब भोलेनाथ का अभिषेक कर दिया था। आज मैंने ना मतलब घी से घी लेके गई थी। तो गाइस मैं बताऊँगी कल जो मैंने घी बनाया था ना तो आज मैं घी लेके गई थी। तो मेरा ये रहता है कि जब भी अभिषेक करते ना भगवान का घी और मतलब घी और शहद दोनों का मिक्स करके या दोनों का नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो है ना घी और शहद का ऐसा बोला जाता है कि पुराने बुज़ुर्ग भी बोलते हैं कि वो है ना जहर बन जाता है। आप जब भी अभिषेक करो ना या तो घी का करो या फिर शहद का करो, दोनों का मिला के करोगे ना जैसे कि बारी बारी से, तो वो फिर ऐसा बोला जाता है। तो फिर वैसे तो मैं शहद मंगा लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि घी ले जाती हूँ इस बार, तो यहाँ पे घी ले गई थी और हमने अभिषेक बहुत अच्छी तरह से कर लिया था। और यहाँ पे फिर हम माता हैं हमारी, तो उनकी भी पूजा कर ली थी। आज बारिश हो रही थी वरना है ना बारिश बहुत तेज पड़ रही है, बहुत ज़्यादा तेज पड़ रही है, लेकिन बट हाँ ये था भारत। अभी हम आए हनुमान जी के मंदिर पर। तो गाइस मंदिर से आ चुकी हैं और पूरी लथपथ हो चुकी हैं। माचिस तो पता मैं इसमें रख के ले गई थी, पॉलीथिन में दीपक के लिए, मोबाइल बुरी तरह से भेजते हुए बच गया क्योंकि मैंने पकड़ा था गाइस, तो मैं बचा सकता हूँ। और अपनी उंगली को बीच में तो रगड़ खाया आपने, लाइट सामने आ रही है नहीं आ रही है। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा, तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में गाइस। तो पूजा करके आ चुके हैं, अपनी कुल माता की पूजा करके आ चुके हैं और भोलेनाथ की भी पूजा करके आ चुके हैं। तो गाइस सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, सावन के पांचवें सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं, भोलेनाथ माता पार्वती शिव परिवार ऐसे ही कृपा बरसाए रखें। तो गाइस बस अब पूजा होगी राखी वाली, तो जो पूजा होती है ना सोनी सोना की पूजा करते हैं ना वो होगी, तो वो दीदी का इंतज़ार किया जा रहा है। तो मंजी दीदी ये भी आई नहीं है, कार्ड तो मेरी जो मेरी जेठ जी की बेटी है उन्होंने ना जो कार्ड तो दिए उन्होंने, और मंजी दीदी आएंगी तो फिर वो पूज देंगी। तो वही अभी मैं ठाकुर जी के लिए भोग बना रही हूँ, बस जल चढ़ा के आना है मेरे को ऊपर, तो फिर मैं मिलूँगी आपसे गाइस। आज तो पूरे दिन मज़ा आएगा, बिजी रहेंगे क्योंकि सब लोग आएंगे ना घर पे, अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैं बताऊँगा इसकी सब्जी वगैरह सब तैयार हो गई थी, धनिया मैंने लब के पापा से मंगा लिया था, धनिया मैंने डाल दिया था, और यहाँ पे खीर वगैरह सब पूरी तरह से तैयार हो गई थी, और ये सेवैयाँ भी तैयार, और जो वो गिर गई थी ना वो तो ख़राब ही हो गई थी, फिर वो मैंने सारी है ना पानी निकल गया था, फिर वो सारी मतलब एक कटोरी में भर के फिर मैंने कहा वो डलवा दूँगी मैं बाहर, तो मतलब बाहर ये कि डॉगी वगैरह कोई खा लेंगे। तो यहाँ पे गाइस मैं बता दूँ कि फिर है ना ठाकुर जी की प्लेट लगा दी थी और ठाकुर जी का भोग लगा दिया था, और यहाँ पे जो पूजा होती है ना हमारे यहाँ सोनी सोना की, हमारे यानी सबके यहाँ होती है रक्षाबंधन की पूजा होती है, तो दरवाजे पे बनाए जाते हैं ये सोनी सोना बोला जाता है इनको। तो यहाँ पे पूजा की तो प्लेट थी और थाली लगा दी थी, तो फिर मैं पूछ दिए थे, बाकी है ना मंजू दीदी आएंगी ना तो राखी वो बांध देंगी, क्योंकि राखी इस बार 1:30 बजे के बाद ही बंधी जाएंगी। तो फिर है ना यहाँ पे मैं बताऊँ कि सबको मतलब भोग लगा दिया था, गऊ माता भी आ गई थी, तो फिर मम्मी ने ना गऊ माता को खिला दिया था, मम्मी बोली ला मैं खिला देती हूँ, तो मैंने कि लो खिला दो। तो यहाँ पे गाइस मम्मी ये कहती हैं बस ये अच्छा लगता है मुझे कि गऊ माता के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, गऊ माता शुरू से ही आ जाती हैं गाइस
जब भी आप जैसे कि आप भोग लगाते हो, क्योंकि आसपास में ही है ना गौ माता मतलब जो लोग रखते हैं गौ माता को, तो वो आसपास में ही है तो वो आ जाती हैं। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि ये प्लेट लगा रही हूँ, जो अपनी फैमिली में जो प्लेटें जाती हैं ना, थाली जाती हैं, तो हमारे यहाँ भी आती हैं, हम भी देते हैं, तो वही थाली लगा रही हूँ गाइज। और यहाँ पे किचन में आप देख सकते हो ना किस कदर हो रहा है। बस गाइज मैं बताऊँ कि किचन मेरी छोटी पड़ जाती है, काम इतना सारा मतलब हो जाता है, तो बस वही। और अभी तो फिर गाइज मेरे को, मैं बताऊँ आपको, मेरे को तो ज़रा भी टाइम फिर मिला ही नहीं था, क्योंकि ना इसके बाद है ना मतलब मैंने लव के पापा को, मम्मी को, सबको खाना खिला दिया था। फिर मंजू दीदी आ गई थी, वैसे मम्मी और ये लोग खा नहीं रहे थे, मैंने कहा तुम लोग खा लो, क्योंकि राखियाँ तो 1:30 बजे के बाद ही बंधी जाएंगी, और तब तक तो बच्चे और लव के पापा सबको भूख लग रही थी, तो मैंने कहा तुम लोग खा लो, तो यहाँ पे ये लोग खा रहे थे। फिर मैंने मम्मी को भी दे दिया, मम्मी बोल रही थी नहीं लड़कियों को आ जाने, मैं तब खा लूँगी। और फिर यहाँ पे फिर मेरे को ध्यान आया गाइस कि मेरे को रायता बनाना, क्योंकि मैंने रायता नहीं बनाया था। और मैं बता दूँ कि यहाँ पे मेरे छोटे वाले जो नंदे हुए हैं ना, मतलब संजू दीदी, जो उनको बहुत पसंद है रायता, तो फिर मैंने ना फटाफट से रायता बनाया था। मैंने कि वो लोग भी बस निकल आए थे ना, वो लोग आने ही वाले थे, उनका फ़ोन आ गया था, यहाँ पर मंजू दीदी आ गई थी, तो अच्छा लग रहा था यहाँ गाइज मैं बताऊँ। और मम्मी वगैरह थोड़ी इमोशनल, तो गाइज आपको पता है कि समय ही ऐसा था, तो होते ही हैं, लेकिन फिर कोई दिक्कत नहीं गाइज। यहाँ पे फिर मैंने पानी वगैरह दिया था मंजू दीदी को, और फिर अभी टाइम था ना, तो फिर मैंने कॉफ़ी बनाई थी, इस बीच में कॉफ़ी बनाई थी, मैंने कहा दीदी तुम कॉफ़ी पी लो, फिर मैंने और मंजू दीदी ने कॉफ़ी पी थी मतलब। और फिर तो गाइज मैं बताऊँगी, तभी मैंने कॉफ़ी बना ली थी तो पी ली थी, तो मैंने यहाँ पे मंजू दीदी से पूछ रही थी कि मंजू दीदी, मैंने कहा जीजा जी नहीं आए, कोई बच्चे को साथ में ले आते, तो दीदी बोल रहे हैं कि नहीं जी घर पे कोई है भी नहीं है, क्योंकि उनकी मंजू दीदी की बहू भी अपनी मायके गई हुई है, और सभी लोग मतलब बच्चे लोग। फिर मंजू दीदी बोल रही थी कि मेरे को है ना रुकना था ना, तो मैंने कहा ठीक है, तो ये अच्छा किया आपने। तो यहाँ पे बस गए जितने भी बर्तन हुए थे पहले वो क्लीन कर दूँ। तो गाइस सबसे बड़ा काम बर्तनों का ही होता है, खाना बनाना इतना नहीं लगता है, खाने बर्तनों का ज़्यादा होता है। और गाइस मैं बताऊं कि यहाँ पे पूरे दिन मेरे यही चला था कि इधर खाना खिला रही थी, उधर बर्तन भी करते जा रही थी, टाइम तो बिल्कुल नहीं मिला था। फिर यहाँ पे टाइम हो गया था, फिर यहाँ पर मंजू दीदी ने हम सब लोगों का मतलब राखी बांधी थी, टीका कर दिया था। तो आज 20 अगस्त है गाइस, और आज मैं बता दूं कि आज अभी है ना जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, उससे पहले मेरी भतीजी का मतलब फ़ोन आया था, मैंने किया था गाइस, आज उसका बर्थडे है। तो लवानसी तुमको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो भी वो मेरे से बोल रही थी कि बुआ आज तो आप आ सकते थे, आज क्यों नहीं आए आप। मैंने कहा नहीं आज नहीं आ सकती थी, आज पड़वा है, तो आप है ना जन्माष्टमी पर आ जाना, आप है ना बीच में आ जाना। तो मैंने कहा हाँ मैं देख लूँगी। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि मेरे मायके में सभी लोग मुझे बहुत मतलब मिस कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे ये देखिए लपके बांध देंगी दीदी, और है ना बस इस टाइम हंसी मजाक ही चल रहा था। तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूँ कि इस पापा जी का रक्षाबंधन पहला त्यौहार है ना, तो हम लोगों के यहाँ जाने आने का नहीं होता है, यानी त्यौहारों पर हम किसी के यहाँ जाएंगे नहीं, बस अपने यहाँ ही हम रुकेंगे। 1 साल तक का ये परहेज होता है, इसीलिए तो मतलब मेरा भी नहीं अपने मायके जाना हुआ था, अच्छा नहीं माना जाता है। सब लोग है ना हमारे घर पे ही आ सकते हैं, हम नहीं जा सकते, त्योहारों की बात करूँ मैं तो यहाँ पे है ना मंजू दीदी, संजू दीदी और मेरी भांजी, ये सब लोग भी, उनका आना ज़रूरी था। और यहाँ पे मैं बताऊँ कि इधर सुरभि और लव का भी टीका, क्योंकि बुआ ने कर दिया था, उसके बाद ये ना फिर सुरभि ने किया था। और मैं बता दूँ कि लव के पापा को अपनी डेयरी पे जाने के लिए हो रहा था, और तभी वो गुस्सा से हो रहे थे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे, 2:30 बज गया था। और वहाँ पे वो कह रहे थे कि बंटी भैया जो अकेले हैं दुकान पर अपनी डेयरी पर,
तो वो कह रहे थे तुम लोग जल्दी करो, बहुत टाइम लग गया और तुम लोग पता नहीं किस चीज़ में लग जाते हो। तो यहाँ पे बस मंजू दीदी को भी तिलक कर दूंगी और मंजू दीदी मेरे को राखी बांध देंगी। गाइस बुआ ने मेरे भी बांधी है राखी ये वाली, और माँ के भी बांध दी, दादी का भी बांध दी, सभी को भी बांध दी और डैडी को भी बांध दी। तो गाइस यहाँ पे वीडियो का एंड करूँगी और अभी व्लॉग में जुड़े रहिएगा क्योंकि कल भी संजू दीदी मेरी भांजी भांजे अभी सब लोगों का आना है। तो मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।